लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि एफआईआर उनकी विवादित किताब मोहम्मद को लेकर की गई है। चौक थाने में मौलाना कलवे जावेद ने तहरीर दी। पुलिस ने कई धाराओं में रिजवी पर मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में इस्लाम मुसलमानों को भारत और पड़ोसी देशों में बदनाम करने का आरोप लगाया है। वसीम रिजवी ने अपनी किताब के जरिए दावा किया है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इनका आतंकवादी विचार क्यों रखते हैं ये, तो इसी को ये किताब उजागर करती है। और इसके अलावा उनका दावा है कि ये किताब पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र को उजागर करती है। वहीं इस किताब को बैन किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। आरोप है कि वसीम रिजवी ने दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद से अपनी किताब का विमोचन करवाया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वसीम रिजवी का दावा है कि किताब पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित है, इसमें कुछ भी अनर्गलन नहीं लिखा गया है। फैक्ट जो हैं उन पर पूरी तरह से किताब आधारित है और इसे लिखने के लिए 300 से ज़्यादा किताबों और मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जब से इस किताब का विमोचन किया गया है तब से ही इस किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? वसीम रिजवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। जो यासुब अब्बास हैं, जो कि शिया धर्म के गुरु हैं, उन्होंने दो दिन पहले कमिश्नर डीके ठाकुर के पास गए थे। वसीम रिजवी के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी, जिसे आज जो है चौक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि बता दें कि आपको जो वसीम रिजवी हैं, उन्होंने विवादित किताब लिखी थी शिया धर्म के खिलाफ, जिसको देखते हुए यासुब अब्बास, जो कि मौलाना यासुब अब्बास, ने साफ तौर से नाराजगी जताते हुए अधिवक्ता के साथ दो दिन पहले कमिश्नर डीके ठाकुर के पास गए थे और तहरीर देकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई गई थी। जी बिल्कुल रवि, लेकिन वसीम रिजवी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किताब है वो पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित है, इसे लिखने के लिए 300 से ज्यादा किताबों और मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लिया गया है, तो फिर ये बात समझने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम संगठन क्यों तैयार नहीं है? देखिए काजल, जिस तरह से वसीम रिजवी की जो किताब है उस पर विवादित जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को वसीम रिजवी ने कहा है कि हमने सिर्फ अपने जो हमारे जो धर्म के लोग हैं और जो हमारे बात को सुने हैं उनको देखते हुए वसीम रिजवी ने ये किताब लिखी थी, जिसको नाराजगी जताते हुए यासुब अब्बास ने साफ तौर से कहा था कि ये हमारी कौम का ये व्यक्ति नहीं है और इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वसीम रिजवी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो शिया धर्म के लोग हैं उनका भी यही मानना है, उन्होंने भी वसीम रिजवी के खिलाफ कई अक्सर कहीं ना कहीं मामले विवादित देखने को मिलते हैं। वसीम रिजवी के खिलाफ कब तक होता रहेगा देश में? इस किताब को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। इससे पहले अयोध्या को लेकर एक किताब लिखी थी सलमान खुर्शीद ने, उसको लेकर ऐसे मौलाना सामने नहीं आए। देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से वसीम रिजवी के खिलाफ मौलाना यासुब अब्बास ने मौलाना यासुब अब्बास ने वसीम रिजवी के खिलाफ जो टिप्पणी करी है, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वही वसीम रिजवी जो कहीं ना कहीं हर मामले में, चाहे वो कभी मंदिर में बैठते नजर आते हैं तो कभी मस्जिद में बैठते नजर आते हैं, जो कभी किसी जो है कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिक्स का नहीं, मगर जो मौलाना यासुब अब्बास, उन्होंने कहा है कि ये जो धर्म अपना रहे, जिस तरह से हमारे धर्म के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनका सख्त से सख्त परिणाम भुगतना पड़ेगा। वसीम रिजवी जी, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ में और ये जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस किताब को बैन करने की जो मांग है वो उठ रही है।